विकास पुरुष माननीय श्री संजय भाऊ राठोड यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंजूर विकास कामांचा भूमिपूजन सोहळा सोमवार दिनांक 18 सप्टेंबर 2023 वेळ सकाळी 11:45 कार्यक्रमाचे स्थळ जुने बस स्टँड नाट्यगृहाजवळ देखरेख सकाळी 11:30 वैशिष्ट्यपूर्ण योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या नगर परिषद देखरेख येथील हिंदू स्मशानभूमी सभोवताल आवार भिंत बांधणी व सौंदर्यीकरणाच्या कामासह इतर विकास कामे करणे सकाळी 12:15 नगर परिषद क्षेत्र देखरेख येथील मंजूर विकास आराखडा आरक्षण क्रमांक 35 येथे जुने बस स्टँड नाट्यगृहाजवळ भाजी मार्केट विकसित करणे दिनबाई विद्यालय के मैदान पर हाल ही में मानव अंतरिक्ष उतर आया था। स्पेस ऑन व्हील के जरिए हजारों विद्यार्थी न सिर्फ अंतरिक्ष महायात्रा में शामिल हुए बल्कि इसरो के वैभवशाली विज्ञान की गौरव गाथा को भी उन्होंने आत्मसात किया। पेश दीगरा संवाददाता जुबेर खान की एक खास रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था अर्थात इसरो और विज्ञान भारती विदर्भ मंडल सहित दीनबाई विद्यालय दिग्रस के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को अंतरिक्ष महायात्रा प्रदर्शनी का विशेष आयोजन शहर और तहसील भर के विद्यार्थियों को एक रोचक और अनोखा अनुभव दे गया। दीनबाई विद्यालय के प्रांगण में खड़ा स्पेस ऑन व्हील नामक यह वाहन अपने नाम को बखूबी चरितार्थ कर रहा था क्योंकि इस वाहन के भीतर अंतरिक्ष की कई तरह की खूबियां और रोचक जानकारी भरी पड़ी थी। इस वाहन में ग्रह उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षाओं सहित चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग संबंधी जानकारी विद्यार्थियों को अत्याधुनिक डिस्प्ले के माध्यम से दी गई। बड़ी संख्या में पहुंचकर इस प्रदर्शनी का अनुभव लेने आए छात्र छात्राओं में उत्साह का मंजर देखते ही बन रहा था। इस मौके पर दीनबाई और मोनाबाई विद्यालय के मुख्याध्यापकों के साथ ही शिक्षणाधिकारी मुकेश कोंडावार ने भी इस अनोखी प्रदर्शनी के आयोजन पर खुशी का इजहार किया। आता जे चंद्रयान भारताने यशस्वीरित्या लॉन्च केलं आणि ते चंद्रावर आपलं काम करत आहे त्याबद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी नव्हे यापुढे भविष्यातील शास्त्रज्ञ हे ग्रामीण भागातून निर्माण व्हावे जनजागृती व्हावी विद्यार्थ्यांना शाळेतील शालेय विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी दशेपासूनच विज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी आणि यातूनच युवा शास्त्रज्ञ मिळावे या उदात्त हेतूने ही स्पेस ऑन हिल हा अभिनव उपक्रम दिग्रस शहरात आयोजित केलेला आहे। दिग्रस तालुक्यातील सर्व शाळा दिग्रस शहरातील सर्व शाळा दीनबाई शिक्षण संस्था याचा यामध्ये सहभाग घेत आहेत। या स्पर्धे या उपक्रमांतर्गत इस्रोच्या दोन व्हेकल्स इथे आलेल्या आहेत त्यामध्ये सॅटेलाईट लॉन्च पॅड याबद्दल स्पेस सायन्सबद्दल सर्व माहिती त्यामध्ये दिलेली आहे। स्पेस ऑन व्हील अंतरिक्ष यात्रा ही फिरती बस आलेली आहे आणि त्यामध्ये आजपर्यंत जे चंद्रयान मंगळयान यांच्याबद्दलची संपूर्ण माहिती आणि अंतराळ यात्रा याची माहिती पूर्ण मिळणार आहे। त्या अनुषंगानं आम्ही काही प्रदर्शनी आयोजित केलेली आहे ज्यामध्ये रांगोळी स्पर्धा आहे पोस्टर स्पर्धा आहे आणि ह्या सर्व करत असताना आम्ही आमचे शिक्षक सर्वांनी मिळून प्रचंड मेहनत घेऊन ही यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला। या ठिकाणी आम्ही दिग्रस परिसरातील 16 शाळांना इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे आणि त्या 16 शाळेचे विद्यार्थी येणार आहे ही आपल्या दिग्रसकरांसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे। हे सर्व करत असताना आमचे सर्व शिक्षक वर्ग आमचे संचालक मंडळ मॅनेजमेंट यांचा आम्हा प्रत्येक कामामध्ये सदैव तत्पर असतात त्यामुळे आम्ही हे सगळं करू शकतो। या प्रदर्शनीमध्ये विद्यार्थ्यांना स्पेसबद्दलची माहिती मिळाली आणि चंद्रयानाच्या सफल लँडिंगमुळे तर दुग्ध शर्करा योग आहे की यावर्षीच ते लँडिंग झालं आणि हा उपक्रम आमच्या शाळेमध्ये याच वर्षी आलेला आहे। खूप मोठ्या प्रमाणात शाळांचा सहभाग झालेला आहे। आमच्या शाळेच्या टीमने सुद्धा दिवसरात्र मेहनत करून प्रत्येक गोष्ट चांगली करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि मला खूप आनंद होतो आहे सांगताना की सर्व टीम सर्व शाळा याच्यामध्ये अत्यंत आनंदाने सहभागी झाले आहे। प्रत्येक गोष्टीचा आनंद घेत आहेत रांगोळी स्पर्धेपासून पोस्टर प्रदर्शनी अगदी व्हॅन मोबाईल बस सगळीकडे मुलं आनंदाने सहभागी झालेली आहे त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर पडलेलं आहे। अशा प्रकारचे उपक्रम आम्हाला ही संधी नेहमी मिळावी अशी अपेक्षा करते। विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष महायात्रा प्रदर्शनी का अनुभव जितना लुभावना रोचक और महत्वपूर्ण था उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दीनबाई और मोनाबाई के होनहार शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी था जिन्होंने दिन रात एक करते हुए बड़ी ही कुशलता से न सिर्फ यहां अंतरिक्ष की थीम लाइन पर रंगोली स्पर्धा और अंतरिक्ष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया बल्कि इसरो के चंद्रयान का हूबहू मॉडल बनाकर अपने हुनर और बेजोड़ मेहनत का परिचय भी दिया।
बहरहाल भारत देश के विज्ञान को देहातों और शहरों के विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शनी की बागडोर लेकर दिग्रस पहुंची विज्ञान भारती मंडल की कार्यकारी सदस्य वसुंधरा साठे ने इन बीसीएन से हुई बातचीत में अपने विचार हमसे साझा किए है। दिग्रस तहसील के तमाम विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज यहाँ इसरो ने एक नया इवेंट यहाँ पर लिया है। हम खड़े हैं दीनभाई विद्यालय के प्रांगण में। यहाँ पर विज्ञान भारती विदर्भ मंडल की जो कार्यकारी सदस्य हैं वसुंधरा साठे जी, वो हमारे साथ में है। स्पेस ऑन व्हील जो एक ये इवेंट है, इसको लेकर वो यहाँ आई है ताकि इसरो के बारे में, जो हाल ही में चंद्रयान 3 की एक बड़ी उपलब्धि हमारे देश ने अर्जित की थी, उसके बारे में वो जानकारी देने आई है। आज भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपके स्कूल में यहाँ इसरो की बस आई है, जो इसरो के जितने भी कार्यक्रम अभी तक हुए हैं स्पेस जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में, जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए वो पहले से लेकर अभी तक का प्रवास वो पूरा वो बस में बताया गया है, और चंद्रयान की मुहिम उसमें बताई गई है। आपको ये भी बताती हूँ, विज्ञान भारती ऐसा एक संगठन है, चंद्रयान 3 जहाँ से लॉन्च हुआ था तो अपने बच्चे जो फाइनल्स में आए उनको लेकर हम इसरो गए थे, जो 90 बच्चे 2 लाख बच्चे पूरे भारत से वो विद्यार्थी विज्ञान मंच के लिए बैठे थे, और उसमें से 90 सिलेक्ट हुए थर्ड लेवल में। उनको इसरो के साइंटिस्ट के साथ उनकी मीटिंग हुई, उनको मिलाया गया, उनके साथ संवाद किया गया, और जहाँ से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो लॉन्चिंग पैड ये बच्चों को बताया गया, जिनको एक बार जब कोई सैटेलाइट बाहर चला जाता है तो 3 महीने तक वहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता, मगर ऐसा एक संगठन जो अपने बच्चों को वहाँ तक लेके जाता है, क्योंकि उनको पता चले, अभिमान रहे कि भारत का विज्ञान क्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत का ये स्पेस विज्ञान गांव-गांव में जा रहा है, हमें बहुत अभिमान है इस बात का, और दिग्रस के लिए तो स्पेशली इतना बड़ा कॉरिडोर है यहाँ का। So many students are sitting outside there, apart from all the heat and all. So they are so eager. So, धन्यवाद। चलो देखो भारत का विज्ञान क्या है, गौर करो, अभिमान करो, हम कुछ बिल्कुल कम नहीं है, हम बिल्कुल कुछ कम नहीं है, यही इसरो का मानना है, और हम सब कोई इसी को लेके आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी वसुंधरा साठे जी, जिन्होंने हमें बताया कि आज जो दौर चल रहा है ये ज्ञान का दौर है, और जो बच्चे यहाँ पर इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं वो निश्चित रूप से यहाँ आकर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। हम आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 की सफलता हमारे देश ने अर्जित की थी, उसके बाद कई ऐसे नए चेहरे हमारे सामने आए थे जो गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते थे, साधारण घरों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो हो सकता है ये जो प्रदर्शनी है, ये दिग्रस शहर के जो विद्यार्थी यहाँ पर स्पेस ऑन व्हील की प्रदर्शनी देखने आए हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा देंगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही वो छात्र होंगे, यही विद्यार्थी होंगे जो हमारे भारत देश का एक नए विज्ञान की दुनिया में प्रतिनिधित्व करेंगे। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान। विकास पुरुष माननीय श्री संजय भाऊ राठोड यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंजूर विकास कामांचा भूमिपूजन सोहळा सोमवार दिनांक 18 सप्टेंबर 2023 वेळ सकाळी 11:45 कार्यक्रमाचे स्थळ जुने बस स्टँड नाट्यगृहाजवळ दिग्रस सकाळी 11:30 वैशिष्ट्यपूर्ण योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या नगर परिषद दिग्रस येथील हिंदू स्मशानभूमी सभोवताल आवार भिंत बांधणे व सौंदर्यीकरणाच्या कामासह इतर विकास कामे करणे सकाळी 12:15 नगर परिषद क्षेत्र दिग्रस येथील मंजूर विकास आराखडा आरक्षण क्रमांक 35 येथे जुने बस स्टँड नाट्यगृहाजवळ भाजी मार्केट विकसित करणे